1966 में अयूब खान की और भुट्टो साहब की लड़ाई हो गई। अब भुट्टो साहब और उनके साथी जे ए रहीम ने फैसला किया कि हम एक पार्टी बनाएं। उन्होंने दोनों ने मुझे दावत दी, तुम पार्टी में शामिल हो जाओ। मैंने उनसे पूरी गुफ्तगू शनीद की कि पार्टी का मंशूर क्या होगा। जब पता चला कि उनकी पार्टी लेफ्टिस्ट पार्टी होगी तो मैंने कहा मैं ज्वाइन कर लेता हूं। भुट्टो साहब के शैदाई लाहौर में थे, बहुत बड़ी तादाद में, तो उन्होंने लाहौर में ही कन्वेंशन का फैसला किया और कन्वेंशन के लिए और जगह ना मिली। अयूब खान की गवर्नमेंट का बहुत दबदबा था, कोई डर के मारे ना जगह देता था ना कोई हॉल देता था। तो मैंने कहा आप इस घर में कन्वेंशन करें, तो पीछे मैदान था उसमें शामियाना लगाया और पीपल्स पार्टी यहाँ कायम हुई। 1969 में अयूब खान ने सदारत छोड़ दी, मार्शल लॉ लगा दिया और हुकूमत जो है वो याह्या खान को दे दी। बस फिर 1967 में हमारी पार्टी बन चुकी थी, उसकी कन्वेंशन भी इसी घर में हुई और इसी कमरों में और इन्हीं सोफों पर मीटिंग हो रही। को बाद की तारीख तो आपको पता है, इलेक्शन हुए, हम इलेक्शन जीत गए, ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान जीत गए, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो गए। 1972 में 71 के आखिर में हमारी हुकूमत बन गई। '77 में भुट्टो साहब की हुकूमत मार्शल लॉ के जरिए खत्म कर दी गई, फौज काबिज हो गई, दो साल बाद भुट्टो साहब को कत्ल कर दिया गया। तो ये अफसोसनाक हिस्ट्री है। पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान मिलिट्री के दरमियान जो कश्मकश थी, हकीकत यह है कि बंगाली अलग लोग थे, वो हमारे साथ नहीं रह सकते थे। कायदे आजम ने तो ये भी कह दिया था कि सारे मुल्क की जबान उर्दू होगी। अरे मेजॉरिटी की जबान को आप रिकग्नाइज नहीं करते, ये कहां की सियासत है, ये कहां की अकलमंदी है। जब उन्हें समझाया गया कि नहीं ये नहीं हो सकता कायदे आजम को, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा हमारी दो जबानें होंगी, एक बंगाली और एक उर्दू। खुद उन्हें ना उर्दू बोलनी आए
और न बंगाली। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान बना और बांग्लादेश तो बनना ही था, पहले दिन से बनना था। आजादी पसंद लोग बंगाली अंग्रेज को सबसे ज्यादा तकलीफ बंगाल ने दी, और यहां उन पर जो जुल्म हुआ 24 साल, सारा बांग्लादेश की कमाई जो थी फॉरेन एक्सचेंज की वो यहां खर्च हो जाती थी वेस्ट पाकिस्तान में। तो बांग्लादेशियों के साथ बेहद माशी नाइंसाफियां हुई। इश्तियार मैंने पढ़ा, पाकिस्तानी एयरफोर्स में कैडेट के लिए, और उसमें लिखा हुआ था कि इंटरव्यू के लिए सरगोधे आओ। उनको मौके नहीं दिए गए। फॉरेन एक्सचेंज वो कमाते थे और वो सब इधर खर्च होता था। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का इकट्ठा रहना शुरू से नामुमकिन था। मेजॉरिटी उनकी, एक बुजुर्ग सियासतदान ने मुझसे यूं पूछा क्यों भाई आजकल बंगाली एमएनएस का क्या रेट है। उन्होंने कहा कि हम तो 140 रुपए महीने दिया करते थे, तो इस तरह की जालिमाना हुकूमत थी। भुट्टो साहब को सामना था शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट का, तो 5 पॉइंट हमने मान लिए थे और जितनी बेइंसाफियां हो रही थी। 6ठा पॉइंट ये था कि मीशत अलग अलग होगी, तो वो और सब पॉइंट उनके मान लिए गए। मीशत भी कर दो तो वो तो अलग अलग मुल्क हो गया। हमने कहा हम 6ठा पॉइंट नहीं मानते। उनमें इतनी नफरत बढ़ी और हमने बांग्लादेश में जो हिंदू रहते थे उन पर इतने इल्जाम लगाए कि जिससे ये तासुर मिले कि बंगाली जो हैं वो पाकिस्तान से वफादार नहीं है। नहीं, मगरबी पाकिस्तान की फौज ने बहुत जुल्म किए बंगाल में।
बहुत जुल्म किए। बांग्लादेश अलग होना था और हो गया। देखिए, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया और मैंने तो कभी किसी मुल्क की एज ए होल फाइनेंस से वाकफियत ही नहीं थी। तो मैंने अपने एक प्रोफेसर को फोन किया अमेरिका, जिससे दोस्ती थी। मैंने उससे कहा कि हमारी गवर्नमेंट बन गई है और देखो, मुझे तो इंजीनियर को इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया। उसने कहा, बहुत अच्छा किया आपकी हुकूमत ने, क्योंकि फाइनेंस को इंजीनियर जितने समझते हैं कोई और नहीं समझता, क्योंकि इंजीनियरों को जमा तफरीक, ये खर्च इसके लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए। अब बिल्डिंग बने तो सैकड़ों चीज़ों पे खर्च होता है और इंजीनियर को उसका हिसाब रखना पड़ता है। तो इंजीनियरिंग और फाइनेंस एक साथ चलते हैं। बहरहाल, हमने फैसला किया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से मदद लेने की। मैंने कारों की इंपोर्ट बंद कर दी, बहुत पैसा बच गया इस तरह। और ये ऑर्डर दे दिया कि जो चीज़ें मुल्क में बनती हैं वो बाहर से ना मंगाई जाएं। मसलन कारों की बैटरियां, और ऐसी तमाम चीज़ों पर जो मुल्क में बनती हैं या बन सकती हैं वो बाहर से ना मंगाई जाएं। मसलन ये बिजली के तारों के लिए खंभे चीन से मंगाए जा रहे थे, मैंने बंद कर दिए कि खंभे कम वक्तों खुद बनाओ। तो इस तरह ১৯৭৪ तक हमारी मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन हो गई। बाहर के कर्जों के बगैर और अपने जो बचत के तदाबीर थी उनके इस्तेमाल से पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज में खुद कफील हो गया। कोई कर्जा नहीं लिया सिवाय PIA के जहाज़ों की खरीद के लिए, क्योंकि जो PIA थी वो फॉरेन एक्सचेंज भी कमाती थी, तो उसकी अपनी फॉरेन एक्सचेंज की कमाई से जो कर्जे का सूद था वो पे हो जाता था। तो ये तमाम मेजर्स लिए और 1974 का जो बजट है उसको आप पढ़ें, उसकी भुट्टो साहब ने बहुत तारीफ की और कहने लगे कि तुमने जो अच्छी बातें गिनवाई उनमें एक नहीं गिनवाई। मैंने कहा, वो कौन सी? कि फौज का बजट ज्यादा कर दिया। मैंने कहा, हाँ ये मैं भूल गया,
टेलीफोन पे बात हो रही थी, तो मैशत ठीक ठाक थी। थोड़ी सी एहतियात बरतने के बाद जब ये ऑर्डर दे दो कि जो चीज़ पाकिस्तान में बन सकती है वो बाहर से नहीं मंगवाई जाएगी, तो बहुत पैसा बच जाता। भाई देखो, जब भुट्टो साहब ने चार्ज लिया तो फौरन चार्ज लेते ही इस्लामी मुल्कों के दौरे पर चले गए और उनसे ये कहा, मुल्कों के सरबराहों से, कि हम इस्लामी ममालिक का दफा करेंगे। जिसने जो इमदाद मांगी वो इन्होंने दे दी। पाकिस्तान के तो जहाज सीरिया चले गए, पाकिस्तान के पायलट्स लीबिया चले गए। तो ये सबको यकीन हो गया इस्लामी मुल्कों को, खास तौर पर भुट्टो साहब की डिप्लोमेसी ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की बुनियाद रख दी। तो यकीनन सब मुल्कों ने अपना भला देखा कि इस आदमी की लीडरशिप में एक कॉन्फ्रेंस की जाए। तो इस तरह इस्लामिक समिट जो है वो लाहौर में हुई। उससे पहले भी मेरे ख्याल है हुई थी, एक याह्या खां के ज़माने में, लेकिन वो किसी और मुल्क में थी। लाहौर में समिट का तो मतलब ही और इस सियासी मतलब है। यहाँ उम्मीद थी पुलिस को कि बड़े बड़े मुसलमान बादशाह आएंगे तो क्राउड को सड़कों पे रखना बहुत मुश्किल होगा, और वो घबराए हुए थे क्या करेंगे। बाद में जो लाहौर की पुलिस का इंचार्ज था उसने कहा टीवी पर कि मैं लाहौर के बाशिंदों को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने इस्लामिक समिट के दौरान कोई पेश नहीं की मुश्किल और हर तरह से मदद की। तो ये हुआ इस्लामिक समिट का, बहुत अच्छा असर हुआ। सब ने शाही मस्जिद में नमाज पढ़ी मिलकर, भुट्टो साहब और फैसल, किंग फैसल साथ साथ। इदी अमीन भी आए। सहरान भी थे। छहरान का मुझे याद नहीं, बहरहाल बहुत कामयाब समिट हुई।
भुट्टो साहब से जब मैं गवर्नमेंट में था तो फिर जब उन्होंने फैसला किया कि गवर्नमेंट में रद्दबदल करेंगे तो मैंने कहा कि अब मैं गवर्नमेंट में नहीं रहूंगा। उन्होंने खुद कई टेलीफोन किए मुझे, मैं पाकिस्तान में नहीं था, कि आ जाओ वादा कर लो 2 महीने बाद 4 महीने बाद 6 महीने बाद। मैंने कहा मैं तो वजारत की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता, तो मुझे आप माफ करें, आपने बहुत मेहरबानियां की हैं मुझ पर। फिर उन्हें एक दिन अचानक एक मीटिंग की जिसमें मुझे सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट करा दिया, तो मैं पार्टी का सेक्रेटरी बन गया। तो भुट्टो साहब से अलीहदगी की जो खबरें हैं ना, ये डिफरेंसेस की, वो इस लिहाज से दुरुस्त नहीं है। पॉलिसी का फर्क जरूर था, मैं समझता था कि जो ऑपोजिशन से भुट्टो साहब ने झगड़ा मोल लिया है, मुख्तलिफ किस्म की राइट विंग पार्टियां इस जंग में भुट्टो साहब हार जाएंगे, सड़कों पे हो रही थी ना। मेरी तजवीज ये थी कि आप दोबारा इलेक्शन करा दें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि फिर से मैं पेशावर से कराची तक के दौरे करूं, जो गलत बात थी। उनको तो इंटेलिजेंस ने इतना गलत बताया था कि उन्हें यकीन ही नहीं था कि 1977 के इलेक्शन में, 1977 में हुआ था ना, कब हुआ जी? जी जी 1977। हाँ, वो जीत जाएंगे। रात के 12 बजे मुझे टेलीफोन आया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा हो क्या रहा है, आपको वोट पड़ रहे हैं। आर यू श्योर, आर यू श्योर कि उन्हें वोट पड़ रहे हैं। तो उनको तो इतना गलत रास्ते पे डाल दिया था इंटेलिजेंस वालों ने कि तुम हार जाओगे। यहां मीटिंग हुई, गवर्नर हाउस में इलेक्शन से एक हफ्ता पहले। वो ये अंदाजा करने की कोशिश कर रहे थे कि हम कितनी सीटें जीतेंगे कितनी हारेंगे। पुलिस वाले भी थे, इंटेलिजेंस वाले भी थे, सब ने कहा कि जी हम 4 सीटें जीत जाएं तो बहुत है, 8 में से। मैंने कहा हम 8 के 8 जीतेंगे, 4 का सवाल ही पैदा नहीं।
कहने लगे आर यू श्योर कोई नहीं हारेंगे? मैंने कहा नहीं कोई नहीं हारेंगे। साहिवाल में सारी इंटेलिजेंस ने ये बताया था कि अलीम खान हार जाएगा। मैंने कहा अलीम खान तो जीतेगा, उसको कौन हरा सकता है? तो रफी रजा भुट्टो साहब के एडवाइजर थे, उन्होंने कहा मुबशिर बस तुम ही हो जो कह रहे हो कि अलीम खान जीतेगा, हमारी सब इत्तलाएं तो हैं कि वो हारेगा। अलीम खान जीत गया, लाहौर में हम आठों की आठ सीट जीत गए। जब रिजल्ट आ रहे थे तो भुट्टो साहब ने मुझे फोन किया बहुत घबरा के, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा आपको वोट पड़ रहे हैं, आर यू श्योर? आर यू श्योर? नहीं, वो इंटेलिजेंस के हाथों में पड़ गए और उन्होंने बिल्कुल गलत रास्ते पे डाल दिया। बिल्कुल गलत बात है। देखो धांधली सब इलेक्शनों में होती है। उस इलेक्शन के बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा आकाश, उनका नाम था आगा शाही या आगा समथिंग, आगा शाही थे, आगा शाही के धांधली कितनी सीटों में हुई होगी? तो उन्होंने कहा 10-12 में ज्यादा से ज्यादा। नहीं, भुट्टो साहब को आइसोलेट कर दिया था, अपने अवाम से अलग कर दिया था। शिमला मुआहदा भुट्टो साहब की बहुत बड़ी फतह थी। मियां कोई हारेगा मुल्क भी बराबरी पे सुलह करता है, बिल्कुल बराबरी पे सुलह थी वो। और कैदियों को तो हमने उनसे कहा ही नहीं रखो, जितने साल खिलाओ उन्हें वापस करोगे ना, कब तक खिलाओगे? उनके पास और कोई था नहीं, और किस तरफ जाते वो? एक बात। दूसरी बात ये कि भुट्टो साहब ने जो जरिए इस्लाहात की वो तो ज़ियाउल्लाह ने कैंसिल की। एक एक पहली इस्लाह पे अमल दरामद हो गया, दूसरी में जब बहुत जमीनें उनकी ली गईं तो ज़ियाउल्लाह ने कैंसिल कर दी। वो सोशलिज्म का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रिए इस्लाहात बड़ा अमल था। इसी तरह बिजली और तेल और शिपिंग, इनको हुकूमत की मिल्कियत में लेना, बैंकों को लेना, ये बड़े सोशलिस्ट इकदाम थे। नहीं, भुट्टो साहब को ये पता नहीं था कि इन इकदाम से ये मजहबी जमातें राजी नहीं होंगी, बल्कि और चढ़ दौड़ेंगी। ये हमारे दबाव पे किया गया है तो और मांगो, और डिमांड करो। मेरे ख्याल है नहीं मानने चाहिए थे, इसलिए नहीं कि ये जो
اہلِ قادیان ہیں یہ مسلمان ہیں یا نہیں، کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ ہے، وہ جانے وہ جانے۔ تو ہمیں اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا، مگر یہ کنگ فیصل سے دوستی کی قیمت، بہت بھاری قیمت، غلط قیمت ادا دی گئی۔ کنگ فیصل یہ چاہتا تھا کہ ان کا مکے میں داخلہ بند ہو جائے۔ کن کا؟ قادیانیوں کا۔ تو اس کا ایک طریقہ یہی تھا کہ پاسپورٹ پہ لکھ دو۔ بھائی بہت بڑا آدمی تھا، بہت ذہین آدمی تھا، بہت سمجھدار آدمی تھا، بہت اس کی معلومات تھیں، اسے اچھے برے کا اچھی طرح پتہ تھا، ملک کے مفادات کا پتہ تھا۔ تو میں تو آن دی ہول ان کا بہت معترف ہوں، تعریف ہی کروں گا۔ ارے بے نظیر نے اپنے باپ کی پارٹی کو خیر باد کہہ دیا، اپنے باپ کی پارٹی کو چھوڑ دیا۔ بے نظیر کے باپ کی پارٹی کے تین بڑے اصول تھے، ایک یہ کہ امریکہ سے آزادی، دوسرے یہ کہ سوشلسٹ معیشت، تیسرے یہ کہ فوج کو سول کے ماتحت رکھنا۔ بے نظیر نے یہ تینوں خیر باد کر دیے، تعلق ہی نہیں رہا کچھ۔ یہ تو دو مختلف پارٹیاں، آج تو جو پارٹیاں ہیں سوائے جماعت اسلامی کے، کسی کا بھی کوئی اصول نہیں ہے۔ تو آج کا ذکر نہ کرو، پانچ جولائی کو بھی اور 6 جولائی کو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ بھٹو صاحب کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بھٹو صاحب کو ضیاء الحق باہر جانے دے، میں نے کہا میں یقین دلا دوں گا کہ وہ پاکستان کی سیاست نہیں کریں گے باہر رہ کر۔ کہنے لگا کہاں لے جاؤ گے انہیں؟ میں نے کہا یا میں ترکی لے جاؤں گا یا یونان لے جاؤں گا۔ مگر وہ تو مارنے پر تلا ہوا تھا۔ زندہ نہیں چھوڑنا تھا اسے، اور اسی لیے وہ جھوٹا مقدمہ بنایا اور سزا دلوا دی اور ایگزیکیوٹ کر دی سزا۔ جان بچانے کے لیے بہت اچھے اچھے آرگومنٹ تھے، تو میں نے ضیاء الحق سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ اس کی جان نہ لو، پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اس نے یہ لفظ استعمال کیے، ڈاکٹر صاحب بھٹو صاحب تو میرے محسن ہیں، میں کیسے مار سکتا ہوں انہیں؟ یہ ضیاء الحق نے مجھ سے
कहा और मैं उस वक्त भी समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है। बाबा ये तो पॉलिसियां होती हैं गवर्नमेंट की, उन्हें कोई हुक्मरान पसंद नहीं होता, वो चाहते हैं कि ये हट जाए, मारा जाए, कुछ हो, वो और बात है, लेकिन उसके लिए इकदामात करना वो और बात है। भाई लॉन्ग टर्म में तो ज़रूर होगा, लेफ्टिस्ट आइडियाज जो हैं वो गरीब की ताकत बनाने के आइडियाज, गरीब के इस्तेमाल किए जाना, गरीब को एक्सप्लॉयट किए जाने के जो आइडियाज हैं वो तो सच्चे हैं और पक्के हैं। गरीब के पास ताकत नहीं है, उनकी ताकत कब बनेगी, किन हालात में बनेगी, ये जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंशिया है दानिश्वर हजरात गरीब मुल्कों के, इनकी गरीबों से गद्दारी है। गरीबों को मुनज़्ज़म नहीं कर रहे, कोई वजह नहीं कि किसी ना किसी दिन ये न कर लें मुनज़्ज़म। बैनुल मज़ाहिब हम आंगी का तो बहुत कम चांस है, फिरकों के दरमियान भी चांस कम है। जब लोगों की तवज्जो माशी मसाइल पर होगी फिर ये चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए मौजूदा चीजों से खिलाफ करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, और क्या हो चाहिए।